आइए आज हम लेकर के चलते हैं आपको गुट्टा प्लेस अर्थात चूतरडेका नामक स्थान पर, जो बहुत ही प्रसिद्ध स्थान है गोवर्धन परिक्रमा का। परिक्रमा की उस पड़ाव पर है जिसको हम गुट्टा प्लेस या चूतरडेका के नाम से जानते हैं। यह परिक्रमा का वह स्थान है जहाँ पर इंद्र ने जब घमंड किया था तो उसने कहा था ये क्या पर्वत है, मैं इसे एक साथ में चक्कर लगा दूंगा। लेकिन हुआ क्या, गिरिराज जी की कृपा से और भगवान श्री कृष्ण की जो परीक्षा थी उसके कारण उसे इस जगह पर बैठना ही पड़ा था, इसीलिए इसका नाम चूतरडेका रखा गया और यहाँ की भाषा में इसे इसी नाम से जाना जाता है। तो जितने भी तीर्थ यात्री यहाँ से जाते हैं कहा जाता है कि उन्हें यहाँ पर बैठना चाहिए और वहाँ पर जो पुराने लोग हैं, जो जानकार लोग हैं, वो चाहे एक क्षण के लिए बैठते हैं यहाँ बैठते जरूर, जिन्हें जानकार चाहिए वो सीधे ही निकल जाते हैं। तो हम आपसे कहेंगे कि आप जब भी इस स्थान पर आए एक क्षण के लिए ही बैठे, आप जरूर बैठें क्योंकि इसका एक अलग माध्यम है। उन्होंने कहा है जहाँ पर इंद्र तुम बैठे हो उस जगह पर जो बैठेंगे उसे जितना पुण्य तुम्हें मिला है उतना ही पुण्य उन बैठने वालों को मिलेगा, इसलिए इस यात्रा को आप कितने भी स्थानों पर बैठ कर करें लेकिन इस स्थान पर अवश्य बैठें। राधे राधे, जय गिरिराज। अतः हमें अपने आप को पूरी तरीके से समर्पित करके भगवान से इंद्र देव की तरह ही प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारी ये इस परिक्रमा को सफल करें और हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।